नमस्कार दोस्तों, एमिस्टी एंड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ शाकुंभरी देवी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। शाकुंभरी देवी कैसे पहुँचे? दोस्तों सहारनपुर रेलवे स्टेशन भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है, जिससे यहाँ पहुँचना बहुत आसान व सरल है। सहारनपुर से शाकुंभरी देवी तक भी अनेकों साधन हैं, जिनके द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ ठहरने के लिए अनेक धर्मशालाएं हैं, जिनमें ठहरने की व्यवस्था आसानी से हो जाती है। दोस्तों शाकुंभरी देवी माता दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में बेहट तहसील में स्थित है। सहारनपुर नगर से लगभग 25 मील की दूरी पर शिवालिक की पर्वतमालाओं में स्थित यह शाकुंभरी देवी का मंदिर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में गिना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सती का शीश गिरा था। दोस्तों इस मंदिर की प्रतिमा के दाईं ओर भीमा देवी एवं भ्रामरी देवी तथा बाईं ओर शताक्षी देवी प्रतिष्ठित है। शताक्षी देवी को शीतला देवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। नवरात्रों में तथा दुर्गाष्टमी पर यहाँ मेले भरते हैं, जिनमें हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। माता के दर्शन से पहले यहाँ मान्यता है कि भूरा देवी के दर्शन करने पड़ते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक में शाकुंभरी देवी का वर्णन आता है कि जब एक बार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था, जिसमें दानवों की ओर से शुंभ निशुंभ महिषासुर आदि बड़े बड़े राक्षस लड़ रहे थे, तो देवता उनसे लड़ते लड़ते शिवालिक की पहाड़ियों में छुप छुप कर विचरण करने लगे, और जब बात न बनी तो नारद मुनि के कहने पर उन्होंने देवी माँ से मदद मांगी। इसी बीच भूरा देव अपने 5 साथियों के साथ माँ की शरण में आया और देवताओं के साथ मिलकर लड़ने की आज्ञा मांगी। माँ ने भूरे देव को वरदान दिया और युद्ध होने लगा। दोस्तों राक्षसों की ओर से रक्तबीज नाम का एक असुर आया, जिसकी खून की एक बूंद गिरने पर एक और उसी के समान असुर पैदा हो जाता था। माँ ने विकराल रूप धरकर और चक्र चलाकर इन सब दानवों को मार डाला। माता काली ने खप्पर से रक्तबीज का सिर काट कर उसका खून पी लिया, जिससे नए असुर पैदा नहीं हुए। पर इस बीच सुम और निशुम ने भूरा देवी के बाण मार दिया, जिससे वो गिर पड़ा। युद्ध समाप्त होने के बाद माता ने भूरा देवी को जीवित कर वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने हमेशा माँ के चरणों की सेवा मांगी, जिस पर माता ने वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शन करेगा उसे पहले भूरा देवी के दर्शन करने होंगे, तभी मेरी यात्रा पूरी होगी। दोस्तों भूरा देव का मंदिर माता के मंदिर से 1 किलोमीटर पहले है। भूरा देव के दर्शन करने के बाद ही माता के दर्शनों के लिए जाया जाता है। राणा परिवार। दोस्तों राणा परिवार जसमोर का यहाँ जिक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मंदिर उन्हीं की संपत्ति है और इसके दान में आया पैसा भी जसमोर के राणा परिवार को ही जाता है। यहाँ का मेला काफी बड़ा भरता है। इसमें बच्चों और बड़ों से लेकर हर उम्र वालों के लिए काफी चीजें मिलती है। यहाँ पूरी रात माता के दर्शन नहीं होते। दोस्तों माँ का दरबार रात को 10 बजे बंद होकर प्रातः 4 बजे खुलता है। माता का स्नान और श्रृंगार आरती होने के बाद माता के दर्शन चालू हो जाते हैं। रात को रुकने के लिए यहाँ 5-6 धर्मशालाएं भी हैं। इसके अलावा यहाँ आसपास में कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं है। दोस्तों अगर कोई ज्यादा दूर से आ रहा है तो उसकी उसी दिन वापसी नहीं हो सकती, तो उसके लिए पास में सहारनपुर में अच्छे होटल मिल सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि शाकुंभरी देवी मंदिर की महत्ता क्या है। दोस्तों ये मंदिर शक्ति पीठ है और यह सती का शीश यानी सिर गिरा था। मंदिर में अंदर मुख्य प्रतिमा शाकुंभरी देवी के दाईं ओर भीमा देवी और भ्रामरी और बाईं ओर शताक्षी देवी प्रतिष्ठित है। शताक्षी देवी को शीतला देवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कहते हैं कि शाकुंभरी देवी की उपासना करने वालों के घर शाक यानी कि भोजन से भरे रहते हैं। शाकुंभरी देवी की कथा के अनुसार एक दैत्य जिसका नाम दुर्गम था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान में चारों वेदों की प्राप्ति की और यह वर भी मांगा कि मुझसे युद्ध में कोई जीत न सके। वरदान पाकर वो निरंकुश हो गया, तो सब देवता देवी की शरण में गए और उन्होंने प्रार्थना की। ऋषियों और देवों को इस तरह दुखी देखकर देवी ने अपने नेत्रों में जल भर लिया। उस जल से हजारों धाराएं बहने लगी, जिनसे संपूर्ण वृक्ष और वनस्पतियां हरी भरी हो गई। दोस्तों 100 नेत्रों द्वारा प्रजा की ओर दयापूर्ण दृष्टि से देखने के कारण देवी का नाम शताक्षी प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार जब सारे संसार में वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया, तो उस समय शताक्षी देवी ने अपने शरीर से उत्पन्न साको यानी साग सब्जी से संसार का पालन किया। इस कारण से पृथ्वी पर माँ शाकुंभरी नाम से विख्यात हुई। जय माँ शाकुंभरी देवी।
दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना, वो इसलिए कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।